मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 सूची में 79 नाम आने के बाद अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर दिल्ली में मंगलवार को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। इसमें पार्टी ने हारी सीटों के अलावा कुछ विधायकों की सीटों को लेकर चर्चा की। इसके अनुसार अब कांग्रेस भी अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, जिसमें पीसीसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की बात है। आपको बता दें, कई मंचों पर चुनाव लड़ने को लेकर पूछे गए सवाल पर कमलनाथ अब तक गोलमोल जवाब देते हैं। यही वजह है कि उनके चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस है। अब पार्टी सूत्रों का कहना है कि बीजेपी के पहलवानों को टक्कर देने के लिए कमलनाथ भी चुनाव मैदान में दिखेंगे। वहीं चुनाव लड़ने से कतरा रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी भी चुनाव लड़ेंगे। पचौरी 2 बार भोजपुर से विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। अब पार्टी फिर से उनको उतारने पर विचार कर रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया भी झाबुआ से चुनाव मैदान में उतरेंगे। झाबुआ और रतलाम के सांसद रहे कांतिलाल भूरिया अपने बेटे विक्रांत भूरिया के लिए खुद चुनाव लड़ने से मना करते आ रहे थे। राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा ने भी विधानसभा का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 2 बार जबलपुर से लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके तनखा को दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। हालांकि कांग्रेस के भीतर ही उनको नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने मैदान में उतारने को लेकर चर्चा है। पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने 2003 के बाद से कोई विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। 2019 में भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ा, हार गए। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह राघोगढ़ और छोटे भाई लक्ष्मण सिंह चाचौड़ा से विधायक हैं। दिग्विजय सिंह की प्रदेश के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अच्छी पकड़ है। वो हारी सीटों को जिताने के लिए पिछले कई दिनों से दौरा कर रहे हैं। जानकार उनके चुनाव नहीं लड़ने के पीछे एक ये वजह भी बताते हैं। वही मध्य प्रदेश के दामों की पथरिया विधानसभा से कांग्रेस के टिकट पर प्रबल दावेदारों ने मां हरसिद्धि के मंदिर में जाकर शपथ ली, कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प लिया। शपथ ग्रहण का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है, जिसमें कांग्रेस के सभी दावेदार एक साथ मंदिर में दिख रहे हैं, शपथ ले रहे हैं। नेताओं ने शपथ ली कि कांग्रेस के टिकट किसी को भी मिले वो मन कर्म वचन से और कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कांग्रेस का विधायक बनाएंगे, और अगर कोई गलत करता है तो महासिद्धि उसे दंड भी दे। भले ही कांग्रेस के दावेदारों ने माता के मंदिर में जाकर शपथ ले ली हो, कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प लिया हो, लेकिन जिस समय इस तरीके की बातें सामने आई, यानी जिस समय कांग्रेस के विधायक पद के प्रत्याशी की घोषणा होगी उसके बाद देखना होगा कि क्या होता है। वही दिलचस्प होगा कांग्रेस के कितने नेता अपनी शपथ पर कायम रहते हैं, क्योंकि जितने भी कांग्रेस के नेताओं ने यह शपथ ली है वो सभी टिकट के प्रबल दावेदार हैं। टिकट हासिल करने के लिए पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प लेने वाले नेताओं ने जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि गौरव पटेल, जिला पंचायत सदस्य राव ब्रजेंद्र सिंह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे और भी कई नाम हैं इसमें जो मौजूद रहे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता माता के मंदिर में जाकर कांग्रेस का विधायक बनाने का संकल्प ले रहे हैं। आपको बता दें, बीजेपी अब तक विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर चुकी है। जल्दी ही अगले कुछ दिनों में पार्टी द्वारा 4थी सूची जारी किए जाने की संभावना है। बीजेपी ने दूसरी सूची में केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और बड़े नेताओं को टिकट लेकर दूसरे दलों को न सिर्फ चौंकाया बल्कि चुनावी परिदृश्य को भी बदल दिया। अब सभी को कांग्रेस की पहली लिस्ट का इंतजार है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नवंबर या दिसंबर में हो जाएंगे। इससे पहले ही राज्य में चुनावी पारा चढ़ गया है। सभी दलों ने अभी से चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। इसके साथ ही आपको बता दें, 2018 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जब कुछ सीटें कम आई थी तब सपा और बीएसपी ने समर्थन दिया था। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।